कभी आपने किसी सिख को 12 बज गए के नाम पे छेड़ा तो नहीं? शुक्र करो कि 12 बज गए थे। सन 1738 अफगानी जुल्मी बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया। सन 1747 लूटपाट मचा के 70 करोड़ रुपयों की कीमत के हीरे जवाहरात, यहां तक कि कोहिनूर एवं दरिये नूर जैसे बहुमूल्य हीरे लूट लिए। दिल्ली तबाह कर दी और हाथी, घोड़े, ऊंट एवं 18,000 हिंदुस्तानी जवान लड़कियां इनाम के तौर पर ले चले। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने सिखों को गुहार की। सिख जर्नैलों ने देश की इज्जत बचाने का फैसला किया। हर रात 12 बजे लगातार गुरिल्ला आक्रमण किए एवं सभी हिंदुस्तानी महिलाओं को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित अपने घरों में पहुंचाया। उसके बाद जब भी किसी अहमद शाब्दाली या ईरानी ने हिंदुस्तान को लूटा तो सिखों ने हमेशा औरतों को छुड़ाया। हमेशा हिंदुस्तान की आबरू में हाथ डालने की उनकी कोशिश नाकाम की। उस समय के बाद लोगों को उनकी मदद के लिए सिख सेना से संपर्क करना शुरू कर दिया और सिख आधी रात 12 बजे हमलावरों पे हमला करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। उनकी निरंतर सफलता लगभग 12 बजे आधी रात में यह साबित करती थी कि सिख धर्म राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए अलौकिक शक्ति के साथ संपन्न है। अफगानी सिपाहियों में ये आम प्रचलन था कि रात को कोई भी आवाज आती थी तो वो डर के एक दूसरे से पूछते थे, 12 बज गए हैं, देखो कहीं सिख तो नहीं आ गए। समय के साथ कुछ शरारती लोगों ने अफवाह फैलाई कि 12 बजे सिखों के होश उड़ जाते हैं। हंसकर सिखों पे तुमने सोचा काम बहुत महान किया, शुक्रगुजार ना हो सके उनके जिन्होंने हिंदुस्तान तुम्हारे नाम किया। शुक्र करो कि 12 बज गए थे सिखों के। बैन सिख जोक्स, प्लीज साइन www.change.org/बैन सिख जोक्स।